मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रतीक्षारत शिक्षकों ने अपनी मांग उठाकर जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग भी की। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षक दिवस के अवसर पर बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं एक वर्ग की भर्ती में परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों की मांग है कि 20,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकार से मांग करते हैं कि खाली पदों पर भर्ती निकाली जाए। देखिए, आज क्या है, शिक्षक दिवस के आप ऐसा हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए कि हम शिक्षक दिवस को आज बेरोजगार शिक्षक दिवस मनाने के लिए आए हुए हैं भोपाल में, क्योंकि आज हम दो दो परीक्षाएं पास करने के बाद, अच्छे नंबर लेने के बाद शिक्षक भर्ती 2023 में आज हम वेटिंग में हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, हमारी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए हम धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए और सरकार से मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि शिक्षक भर्ती 2023 में सम्मानजनक 20,000 पदों में वृद्धि करिए। आप देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि अच्छे जो बच्चे हैं अच्छे शिक्षक की मांग कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उनको शिक्षक दे नहीं पा रहे हैं, और हम दो दो परीक्षा पास कर रहे हैं वो हम वेटिंग में हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं और रोजी रोटी के हमारे पास लाले पड़े हुए हैं, इसलिए आज हम बेरोजगार जो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बेरोजगार दिवस मनाने के लिए भोपाल में उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम लगातार एक साल से सरकार के कान में ये बात पहुंचा रहे हैं हर माध्यम से, चाहे हमारा भोपाल में आंदोलन हो चाहे दिल्ली में आंदोलन हो, कि आप हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक प्रचार करिए कि हमने दो दो परीक्षा पास करी है, 100 में से 80-85 नंबर लेने के बाद हम वेटिंग में हैं, तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के स्कूलों का भी दुर्भाग्य है जिसमें आप अच्छे शिक्षक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि आप है ना हमारे मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए और सम्मानजनक कम से कम 20,000 पदों पर वृद्धि करिए, जिससे कि ये दो दो परीक्षा पास शिक्षक मध्य प्रदेश के विद्यालयों में जाएं और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जो अभी गिर चुकी है, अभी देखेंगे आप मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था, मैं बताना चाहूँगा 20वें स्थान पर है, जो कि अपन छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार से भी नीचे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें एक उच्चतम सुधार होगा। मैं वेटिंग में हूँ, मेरे 83 मार्क्स हैं और मैं वेटिंग में हूँ मैम। ये जो सरकार भर्ती निकालती है टीचर्स रिक्रूटमेंट, वो 5-5, 6-6 सालों में निकालती हैं, और इस बार तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने दो एग्ज़ाम लिए हैं। पहले तो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया, फिर सिलेक्शन टेस्ट लिया। मेरे खुद के 83 मार्क्स हैं मैम, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वेटिंग में हूँ। तो सरकार क्या चाहती है, एक तो इतना लेट हर साल तो आप रिक्रूटमेंट निकालते नहीं हैं, 5-5, 6-6 सालों में निकालते हैं, उस पर भी इतने कम पोस्ट, मतलब सिर्फ 8,000, इन्होंने 8-9,000 पोस्ट निकाले जिसमें से आधे बैकलॉग के पोस्ट हैं मैम। तो आप ही बताइए, अगर उनको 16 सब्जेक्ट्स में आप डिवाइड करेंगे और फिर उस पर आरक्षण का रोस्टर लगाएंगे तो किस तरह से किसी को जॉब मिल पाएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की। हम लोग शिक्षक दिवस पे इसीलिए आए कि हम लोग शिक्षक हैं मैम। मैंने खुद अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया ताकि मुझे गवर्नमेंट एक स्टेबल जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिले और मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। क्योंकि आपको तो पता ही है मैम कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का क्या, मतलब शिक्षा तो अच्छी लेते हैं लेकिन सैलरी वगैरह नहीं देते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो सरकार हर साल रिक्रूटमेंट निकाले और हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर करे, बस मेरी एक ही मांग है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।